शिरकत आरिफ अलवी, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आमादा नहीं कर सके। इमरान खान की हठधर्मी और रवैये की वजह से लाहौर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। सदर मुमलिकत ने भी हाथ खड़े कर दिए। शहबाज शरीफ की एक सजा याफ्ता शख्स से आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। मजीद कहते हैं कि चीन रूस और अमेरिका से गुलामी नहीं दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई किस हालत में होता है और क्या कहा जाता है उसे खुद याद नहीं रहता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इमरान खान के आर्मी चीफ की तैनाती के बयान पर रद्द अमल, कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर मशावरत नहीं हुई, वजीर आजम ही आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन तो करवाना ही पड़ेंगे, सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म, 15 दिन में इलेक्शन करा सकते हैं। इलेक्शन कमिश्नर सिंध का अदालत को जवाब, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताखिर से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पूरा पिंड भी मर जाए, जमात इस्लामी और पीटीआई का मेयर कराची नहीं आना। एमके पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की ललकार, कहा कि मौजूदा बल्दियाती कानून आम आदमी को ताकतवर नहीं करता, दोनों जमातें अपनी इन्वेस्टमेंट जाया कर रही हैं। नए बल्दियाती इलेक्शन से कबल वोटर लिस्टों की खामियों को दूर किया जाए, एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर का जमात इस्लामी और पीटीआई के बयानात पर रद्द अमल, कहा कि इलेक्शन के लिए तैयार हैं, भाग नहीं रहे, हमारी जंग बाख्तियार मेयर लाने के लिए है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम का मुश्तरका ऑपरेशन, समंदर से 5 अरब की मनशियात पकड़ी गई, कश्ती से 420 किलोग्राम आइस क्रिस्टल कब्जे में लेकर 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ईरान से स्मगल मनशियात की ये खेप यूरोप स्मगल की जानी थी। एंटी इंक्रोचमेंट की टीम का सुरजानी टाउन में वाकई सायरन रोड में तजावजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन, लैंड माफिया का ऑपरेशन करने वाली टीम पर हमला, माफिया के कारिंदों की फायरिंग से मुख्तियार कार मंगोपीर जा बहक, जबकि पत्थर लगने से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत करने के लिए नोटिफिकेशन को 1 माह होने वाला है, लेकिन अब तक DPN UP से मुतालिक नोटिफिकेशन पर अमल दरामद ना हो सका। वजीर आला सिंह ने 18 अक्टूबर को रिकॉर्ड और स्टाफ के डीए को देने की हिदायत की थी, नोटिफिकेशन के बाद SMP के मुलाजमी ने तकरीबन काम करना छोड़ दिया है। और हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद फारूक शिकानी ने कहा कि हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, कहा कि दुनिया भर के बड़े शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए बाकायदा प्लानिंग होती है, फिर अमल पैरा होकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाकर तरक्की की राह पर गामजन किया जाता है।